हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, अगर आप एलसीडी रिपेयरिंग करते हैं तो वीडियो में बने रहें। अगर आपको एलसीडी में बैकलाइट की प्रॉब्लम आती है, या होता ऐसा है कि आपकी कभी एलसीडी आई और उसकी बैकलाइट खराब है, या उसका ड्राइवर सेक्शन खराब है, या अंदर की स्ट्रिप खराब है, और आपके जहाँ आप रहते हैं मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप क्या क्या चीज कर सकते हैं जिससे अगर आपका बैकलाइट ड्राइवर भी खराब हो या आपकी उसके अंदर की स्ट्रिप खराब हो, तो आप बड़े ही इजी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में ये सब अवेलेबल हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप, अगर आपके लोकल मार्केट में सामान नहीं भी मिलता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसमें बताता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ वो आपको अप टू डेट रहें उस वीडियो से। तो मैं इस पर आपको दोनों चीज़ के बारे में बताऊँगा, अगर आपका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन खराब हो गया तो भी आपकी वीडियो हेल्पफुल है, या आपका अंदर की स्ट्रिप खराब हो गई है तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर की स्ट्रिप बता देता हूं। अगर आपकी एलईडी में बैकलाइट की स्ट्रिप खराब हो गई है तो आप क्या करेंगे, तो जो बैकलाइट की स्ट्रिप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से क्या होती है, आपकी स्ट्रिप होती है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये इस तरीके से आपकी बैकलाइट की स्ट्रिप होती है, और उसमें क्या होते हैं, आपके बल्ब लगे होते हैं एलईडी टाइप के। तो जैसे मैं बताऊं आपको, एक पहला बल्ब ये लगा है, दूसरा ये लगा है, तीसरा आपका ये लगा है, चौथा ये लगा है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, आपके चार बल्ब लगे हुए हैं। और यहां पर आपको दो टिप्स होती हैं, एक में लिखा होता है पॉजिटिव और एक टिप्स होती है, एक पर लिखा होता है नेगेटिव। ये और ये कुछ इस तरीके से होता है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये इसका निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और मैं यहां पर दूसरी एलईडी की स्ट्रिप बना लेता हूं। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है, अगर आपके मार्केट में जब बैकलाइट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मार्केट में क्या होता है कि आपसे सामान नहीं मिल पाता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एलसीडी आप उसकी वापस कर देंगे कि मार्केट पर नहीं मिल रहा, या आपको इंतजार करवाएंगे इतने दिन या और दिन, 5 दिन 10 दिन हफ्ता या आगे भी। इसलिए इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ये चलता भी है, ऐसा नहीं है कि आपने करी और 10-15 दिन में आपको रिटर्न मिल जाए, बहुत अच्छा है। बाय दफे एक आध केस ऐसे होंगे जब आप 30-20 एलसीडी में ऐसा करेंगे तब जाके दिक्कत आएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने दूसरी एलईडी की स्ट्रिप बना दी। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव,
ये पॉलिटिक्स ये निकलती है। वो आपकी स्ट्रिप वन हो गई, वो आपकी स्ट्रिप टू हो गई। तो इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव होता है इस पॉजिटिव को हमारा ये यहाँ आके जुड़े रहता है पॉजिटिव, और जो हमारा निगेटिव होता है यहां से हमारा निगेटिव जाता है ऐसे। ये इस तरीके से जुड़ा होता है, और ये सिरा इससे जुड़ा होता है, ये सिरा इससे जुड़ा होता है, ये सिरा इससे जुड़ा होता है। ये यानी पॉजिटिव हमें ये इधर डायरेक्ट आता है यहां से, और उसके बाद निगेटिव जाएगा सबसे पीछे, उसके बाद ये सीरीज में जुड़े होते हैं, सीरीज में एक दूसरे के। ये सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, जो पॉजिटिव होता है वो यहां आके जुड़ता है डायरेक्ट इसमें, और जो निगेटिव होता है ये। ये इस तरीके एलईडी के जो स्ट्रिप होती है उसमें कनेक्शन होते हैं, और जो ये होता है यहां पर हमारा ये वाला पॉजिटिव अगले वाले के क्या होता है, निगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है, और ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। यह क्या होता है, हमारा जो एलईडी का सेक्शन होता है वहां से क्या होता है, इसमें इधर प्लस और इधर माइनस, हमें ये माइनस वाला माइनस में और प्लस वाला प्लस में क्या होता है, कनेक्शन चालू हो जाता है। तो यहां से जैसे ही इसको जो रिक्वायर होगी, कम से कम ये 2.5 से 3 वोल्ट करीब एक एलईडी लेती है, तो यहाँ पर जितने वोल्ट की रिक्वायर होगी उतना वोल्ट यहाँ पर आएगा, और ये एलईडी क्या करेंगी, अपनी ग्लो करेंगी। अब क्या हो सकता है इसमें, अगर आपकी एलईडी की स्ट्रिप खराब हो जाए, अब ऐसा होता है कि हमारी सारी एलईडी की स्ट्रिपें खराब नहीं होती हैं, यानी इसमें या ये खराब हो जाएगा या ये खराब हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक खराब होगा तो सीरीज उसका रुक जाता है तो भी नहीं चलेगी। तो आप उस केस में दो कर सकते हैं, दो चीजें, जैसे मान लो ये पूरा एक साथ जुड़ा है, अगर ये वाला खराब हो जाएगा तो इस वाले का क्या होगा, कनेक्शन इससे यहां पे वो आपका रुक जाएगा। ये इस पूरे में मान लो हमारी ये एलईडी अगर ब्रेक हो जाती है, खराब हो जाती है, जल जाती है किसी कारण से, तो क्या करेगी, यहां से यहां कनेक्शन हमारा जो सीरीज इसका बना है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, वो सीरीज नहीं बन पाएगी। तो ये क्या होगा, इधर का इधर कनेक्शन नहीं हो पाएगा, और जलने के कारण हल्का सा इसका रेजिस्टेंस रहेगा, जिस कारण क्या होगा, ये हल्की ग्लो करेंगी, यानी एक बार या तो स्टार्टिंग में ग्लो करेगी फिर बंद हो जाएगी, या बहुत ही माइनर सी ग्लो करेंगे सारी एलईडी। उस केस में आप चेक करने के लिए करेंगे, इस एलईडी को यहां से हटा देंगे, ये इसको यहां से हटा के इसका पॉजिटिव और निगेटिव इसको आपस में जोड़ देंगे, ये इसको दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद आप टीवी ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपकी ये पूरी बैकलाइट ग्लो करने लगेगी। तो अब होगा क्या, मान लो अगर ये 3 वोल्ट की एक है डीसी, 3 वोल्ट डीसी की अगर एक एलईडी है, तो यहां पर हमारे 8 लगी है,
तो यहां पे हमें कितने वोल्ट की रिक्वायर है? 24। तो यहां पे हमें 24 to 28 वोल्ट डीसी की क्या होगी? रिक्वायर होगी। अब जब यहां से हमारा एक एलईडी यहां पे हट जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो जो हमारा 3 वोल्ट होगा वो इन पे क्या करेगा? लोड पड़ेगा। जब लोड पड़ेगा तो हमारी बाकी की एलईडी भी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। इसलिए क्या करेंगे हम, आप ये करें कि आपके अगर कोई दूसरी स्ट्रिप, अगर ऐसी कोई खराब स्ट्रिप पड़ी है, उसमें से जो भी हिस्सा आपका सही है, जो भी एलईडी सही है, उसको क्या करें? कट करें। ये उसको कट करें, एक साइड पॉजिटिव होगा, उसके एक साइड निगेटिव होगा। उसको कट करने के बाद यहां पे से आपका ये ग्लो करने लग गई है, हटा दें जम्पर। जम्पर हटाने के बाद इसको जोड़ दें आप इधर, और इसको जोड़ देंगे आप इधर। ऐसी जो खराब आपकी स्ट्रिप पड़ी होगी, उसमें जो भी सही होगी, यहां पर से कट कर लें, एक पीस निकाल लें और एक पीस को यहां पर रख दें, और इसका कनेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव करके ठीक इसके ऊपर रख दें। इसको आप डबल टेप से क्या करते हैं? चिपका दें और इसके ठीक ऊपर रख दें। तो इससे होगा क्या, आपकी एलईडी पूरी अच्छे तरीके से ग्लो करने लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये आपका पूरा बढ़िया काम हो गया है। और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आप करेंगे क्या, ये आपका निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 10K, 10K टू 100K। यहां पर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 10K से 100K की। आप पहले 10K की लगाएं, उसके बाद इसकी ग्लोनेस चेक करें, इसकी ब्राइटनेस चेक करें, आपकी डिम तो नहीं हो रही है या ज्यादा तो नहीं हो रही है। अगर ज्यादा हो रही है तो क्या करें, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको 10K से आगे शिफ्ट कर दें, और अगर डिम लोग शो कर रही है तो 10K से नीचे शिफ्ट कर दें इसे। यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लगेगी उसको कम करें, ज्यादा करें। तो अगर आपके मार्केट में ये सब अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बैकलाइट स्ट्रिप के बारे में। आप देख सकते हैं स्ट्रिप किस तरीके से होती है, जान लो ये हमारी स्ट्रिप है, इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव सिरा होता है, और उसके बाद हमारे पास कुछ एलईडी होती है। यहाँ पे एलईडी में आपको पता होगा डीसी में पॉजिटिव और निगेटिव होती है, तो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे कनेक्शन होते हैं। जो निगेटिव सिरा होता है वो सीधे गया होता है आपका पीछे, और जो पॉजिटिव सिरा होगा यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में। और कहीं कहीं पर जरूरी नहीं है कि ये निगेटिव ही सिरा पीछे जाए, आपका यहाँ से पॉजिटिव सिरा भी पीछे जा सकता है और निगेटिव सिरा इसके फ्रंट में जुड़ा सकता है। तो यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब मैं बताता हूं आपको, अगर 32 इंच, अगर 32 इंच की एलईडी है किसी भी कंपनी की हो, तो 32 इंच में आपने देखा होगा यहां पर जो आपको वोल्टेज की रिक्वायर होती है वो होती है 72 to 120 वोल्ट। जो भी आप 30 इंच की एलईडी जिसमें 3 स्ट्रिप होंगी, या आपके जैसे 2 हो गई, स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2 और स्ट्रिप 3, उसमें आपके मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 to 9 हो सकते हैं उसमें एलईडी, तो वहां पे आपको 70 to 120 वोल्ट की क्या होगी, रिक्वायर होगी। अगर आपका ड्राइवर सेक्शन खराब हो गया, ये आपका ये आपकी पावर सप्लाई होगी एलईडी, तो यहां पे जो इसका
कनेक्टर होगा, यहां पे जो भी इसका कनेक्टर होगा वो यहां पे कनेक्ट होता है। अब मान लो ये आपका सही है, अभी तक तो क्या था ये सही था और आपकी स्ट्रिप खराब थी, ड्राइवर सेक्शन सही था। अगर आपका स्ट्रिप सही है और ड्राइवर सेक्शन प्रॉब्लम में है तो आप क्या करेंगे? आपके वहां इसके जो ड्राइवर आईसी के जो स्विचिंग आईसी होती है, मॉस्फेट होता है, उसको जो स्विचिंग ड्राइविंग पल्स जनरेट करता है वो आपका खराब हो गया होगा, या मॉस्फेट खराब हो गया होगा, या एसएमडी साइज रेजिस्टेंस होती है वो आपकी खराब हो गई होंगी और आपके मार्केट में मिल नहीं रहे होंगे, अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर कार्ड भी दूसरा डालना चाहते हैं, ये भी आपको नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या करें? एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा है। उस केस में क्या करेंगे, आप एक एलईडी बल्ब लेंगे, यहां पर वोल्टेज की रिक्वायर के हिसाब से आप बल्ब लें। अगर वोल्टेज 72 120 वोल्ट है तो वहां पर आप 9 टू 12 या 15 वाट का एलईडी बल्ब ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 9 12 15 वाट का एलईडी बल्ब ले सकते हैं, वो वाले बल्ब जो अपने घरों पर लगते हैं गोल वाले, वो वाले बल्ब ले सकते हैं। उसका क्या करेंगे आप, सर्किट बोर्ड निकाल देंगे, उसका जो भी सर्किट बोर्ड होगा उसको निकाल दें। उसका सर्किट बोर्ड जब आप निकालेंगे तो इस तरफ आपका एसी इन होगा, तो यहां पर आप इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट एसी इन कर दें, और जो इसकी दूसरी लैग होगी यहां पर आप वोल्टेज चेक कर लें। अगर आपको 9 वाट के बल्ब पे इसके वोल्टेज की रिक्वायर मिलती है, या 12 वोल्ट से रिक्वायर पूरी होती है, या 15 वोल्ट वाट वाले से पूरी होती है, 9 वाट 12 वाट 15 वाट जितने वोल्टेज इसको रिक्वायर होंगे उतने की आपकी रिक्वायर पूरी हो जाएगी, तो क्या करें, इसका आउटलेट इसके साथ जोड़ दें। और आप जैसे ही ऑन करेंगे तो ये आपका बैकलाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने जैसे ही प्लग इन करा एलईडी टीवी का और आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे उसके बाद पूरी स्क्रीन वाइट दिख जाएगी, क्योंकि बैकलाइट पर हमारा कोई भी टाइम डिले नहीं लगा है कि जब हम स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे उसके बाद ही हमारी बैकलाइट जल्दी चाहिए। तो बैकलाइट क्या करेगी, हमारी प्लग इन करके स्विच ऑन करते ही ऑन हो जाएगी। तो उसके लिए एक तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां से आप एसी दे दे बैकलाइट सीधे ऑन हो जाएगी, स्क्रीन क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। उसके बाद आप स्टैंड बाय रिमूव करें, स्टैंड बाय रिमूव करने के बाद आपकी पिक्चर जो भी आनी है वो आ जाएगी, लेकिन वाइट स्क्रीन रहेगी प्लग इन करते ही, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और अगर आप थोड़ा और एडवांस लेवल का करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक रिले लेनी पड़ेगी, ये होगा एनसी और ये होगा एनओ, और ये रिले का होगा कॉमन पॉइंट। रिले के बारे में आप जानते होंगे, इसका एक एनसी होता है, एक एनओ होता है, एक कॉमन होता है। कॉमन आपका, इसमें हम कॉमन पॉइंट जोड़ते हैं, एनसी का नॉर्मल कनेक्शन, यानी ये नॉर्मल कनेक्टर रहता है, और एनओ का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। ये अगर रिले नॉर्मल कंडीशन में है, कोई सप्लाई नहीं दी है, तो जो एनओ होगा इसका नॉर्मल ओपन, यानी जो कॉमन होगा उसका कनेक्शन किसके साथ होगा, एनसी नॉर्मल कनेक्टेड, जब नॉर्मल कंडीशन में होगा, इस पर कोई भी पावर सप्लाई दी नहीं जाएगी। और जैसे ही हम इसमें इसकी रिक्वायर के हिसाब से वोल्टेज इन करेंगे तो ये क्या करेगा, एनसी से हट करके कॉमन पॉइंट एनओ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर सिंपल सा रिले का प्रयोग करेंगे,
रिले में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बैकलाइट के लिए 12 वोल्ट 24 वोल्ट रिक्वायर होती है रिले, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहां पर हम इसको दे देंगे, यहां पर क्या दे देंगे 12 वोल्ट डीसी यहां पर दे देंगे, और यहां पर 12 वोल्ट डीसी वो देंगे जब हम जो स्टैंड बाई के बाद जनरेट होते हैं, ये नहीं कि हमने प्लग इन करा और हमारे 12 वोल्ट तुरंत निकल जाएं, ऐसा नहीं। आप प्लग इन करें और जैसे स्टैंड बाई रिलीज करें उसके बाद आपके यहाँ पर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट निकलने चाहिए, या तो आपके जो बैकलाइट के लिए निकलती है पल्स तब वहां निकलेंगे, या आपका पैनल होता है एलईडी उसके लिए निकलेंगे, या आपका हाँ पैनल होता है उसके लिए यहां से 12 वोल्ट निकलेंगे, या आप चेक कर सकते हैं अपने कार्ड पर, उसका कनेक्शन यहां करते हैं। और उसके बाद जो एसी कनेक्शन होता है इसको आप न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ दें और एक लैग ये एनओ के साथ जोड़ दें और जो लाइन होती है उसको कॉमन के साथ जोड़ दें। ये अब जैसे ही आपने प्लग इन करा और ये रिले ऑफ है, यहां पर हमारा 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, हमारा न्यूट्रल जो हमारा एलईडी बल्ब था उसका जो सर्किट बोर्ड है उस पर न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चले जाएगा और लाइन नहीं आई है अभी, तो हमारी बैकलाइट ग्लो नहीं करेगी, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो एनओ नॉर्मल ओपन, यानी अभी यहां कनेक्ट नहीं है, जब तक इधर 12 वोल्ट नहीं आएगा वो एनसी के साथ कनेक्ट होगा ये वाला पॉइंट। और जैसे हमने स्टैंड बाय रिलीज करा यहां 12 वोल्ट हमारा जनरेट हुआ, और 12 वोल्ट जनरेट होगा तो एनसी से हटकर ये एनओ के साथ चले जाएगा, ये कॉमन कौन सा लाइन, जो ये लाइन वाला है सीधे क्या आ जाएगा, ये एनओ के पास आ जाएगा, एनओ के पास जैसे ही आएगा तो हमारी लाइन पूरी हो जाएगी और बैकलाइट सेक्शन हमारा ऑन हो जाएगा जब हम स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। तो ये रिले वाला हम इधर पे भी लगा सकते हैं, इसको जरूरी नहीं है हम यहां पर लगा सकते हैं, इसको हम यहां पर भी इन कर सकते हैं। और अगर और एडवांस लेवल पर जाना है तो उसके लिए क्या करें, 547 ट्रांजिस्टर ले लें, आप 547 ट्रांजिस्टर ले लें, इसको आप 12 वोल्ट दे दें और उसके बाद जो ट्रांजिस्टर होता है ये 12 वोल्ट दे दें और इसका एक निगेटिव दे दें इसको और एक लैग इस पर जुड़ जाएगा, और जो बैक लाइट के लिए पल्स जाती है, बैक लाइट के लिए जो भी पल्स जाएगी, ये जैसे ही बैक लाइट के लिए पल्स जाएगी तो यहां से ग्राउंड होते हुए ये इधर सिलेक्ट कर देगा, तो स्टैंड बाय जो पल्स जाती है यहां पर आप बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के वहीं पर आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे यहां से आप बैक स्मूथ वो करेंगे स्टैंड बाय रिमूव करेंगे तो यहां से क्या बैकलाइट के लिए पल्स जनरेट होगी जो आपका मदरबोर्ड से आएगा, मदरबोर्ड से जैसे ही पल्स आएगी वो 547 ट्रांजिस्टर पर जाएगी, ट्रांजिस्टर पर जाने पर जो भी इसका ग्राउंड होता है वो पिन इसका ग्राउंड होते हुए अगले पिन को ग्राउंड देगा और यहां से रिले का पॉजिटिव पहले से मिला निगेटिव मिल जाएगा और उसके बाद रिले ऑन हो जाएगी। इस तरीके से भी आप रिले ऑन करवा सकते हैं, इस तरीके से करवा सकते हैं। ये 547 जो आपका ट्रांजिस्टर है ये आपका इसके बेस एमिटर और कलेक्टर अभी मैंने कंफर्म नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए आपको बता रखा है, और वरना आप इस सब से आपको समझ में नहीं आता तो आप सिंपल से यहाँ पे आप लाइन दे दें, यहाँ पे न्यूट्रल दे दें और सीधे ही इसको चालू कर दें, उसमें बस यही प्रॉब्लम होगी कि प्लग इन करते ही बैकलाइट से व्हाइट आपकी स्क्रीन हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद आपका पिक्चर साउंड सब आपका आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, बैकलाइट से रिलेटेड, तो मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में।